Dear students, Assalamu alaikum. Today is our 12th topic in the series of QuickBooks. And today we are going to learn how to delete, edit or merge an account. This account, as you may know, is chart of accounts. We already done a sequence on chart of accounts and adding chart of accounts to it, our QuickBooks chart of accounts. जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम की जान है. इसके ऊपर बेस करके हमारा सारा अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद है. लास्ट सेशन में आपने एक नया अकाउंट ऐड किया था और आपको जैसे याद होगा कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले ही से हमारी कंपनी की मुनासिबत से बहुत सारे अकाउंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट एक वक्त में पूरी कर सकें. इसीलिए हमें कभी कभार कोई नया अकाउंट ऐड करना पड़ता है और गैर ज़रूरी अकाउंट डिलीट करने पड़ते हैं. आइए देखते हैं कि हम ये काम अपने क्विक बुक्स में कैसे करेंगे. आपके पास ये होम स्क्रीन मौजूद है जिसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि सबसे ऊपर आपको जो बटन नज़र आ रहा है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का. क्लिक ऑन दैट बटन एंड योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स विल ओपन. इसी तरह जैसे कि आपको पता है कि ये एक लिस्ट है, तो ये और कहाँ होगा, मेन्यू के अंडर भी आपको चार्ट ऑफ अकाउंट सबसे टॉप पे लिस्टेड नज़र आएगा. अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे तमाम वो अकाउंट्स जिस तरह से हमने उनकी कैटेगराइजेशन की हुई थी वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनमें आपको वो नंबर नज़र नहीं आ रहा जिससे कि हम ये चार्ट ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, व्हाट वी हैव टू डू इज गो टू द प्रेफरेंसेस, go to accounting, company preferences and tick use account number. जैसे हम ये करेंगे हमारे पास तमाम listed chart of account के साथ उनके numeric values आ जाएंगे. इस chart of account में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तवील list मौजूद है और हमारी तमाम requirement काफ़ी हद तक ये पूरी कर रही हैं. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि ऐसे अकाउंट मौजूद होंगे जो कि हमें ज़रूरत नहीं है या जो किसी भी वजह से डुप्लीकेट हो गए हों. हो सकता है सिस्टम ने खुद ही कर दिए हों या हमारे किसी अकाउंटेंट की वजह से ये हो गया हो. पहले तो हमें वो अकाउंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि डुप्लीकेट हो गए हैं और जिन्हें हम मर्ज करना चाहते हैं या जिनके नाम हमने गलत लिख दिए हैं और उनको हम एडिट करना चाहते हैं. किसी भी अकाउंट को एडिट करने के लिए आपके पास बहुत आसान तरीका है. मिसाल के तौर पे हम इनकम का कोई अकाउंट लेते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सीमेंट सेल. आपको पता ही है कि हमारी कंपनी बिल्डिंग मटेरियल भी सेल करती है. आपके पास वही दो तरीके हैं कि आइदर यू क्लिक ऑन द राइट हैंड साइड और गो स्ट्रेट टू अकाउंट्स एंड क्लिक ऑन एडिट अकाउंट्स. यहाँ आपको वो अकाउंट नज़र आने लगा है. हम इसका नाम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं और जब हम इसे सेव एंड क्लोज करेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इसका नाम चेंज हो गया है. नाम चेंज करने से अकाउंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका नंबर भी वही रहा है और नाम ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है हमारे लिए. लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में हमने किसी किस्म की ट्रांजैक्शन को ख़राब नहीं किया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी मे नीड टू मर्ज टू अकाउंट्स. व्हाई डू वी नीड टू मर्ज टू अकाउंट्स? एज आई सेड अर्लियर दैट इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास पहले से ये अकाउंट मौजूद हो जो आपके सिस्टम ने आपको दिया हो और आपके अकाउंटेंट ने एक और उसी नाम का या उससे मिलता जुलता अकाउंट खोल लिया. अच्छा, मर्ज करने में और डिलीट करने में एक बुनियादी फ़र्क है. डिलीट करने का मकसद ये है कि इस अकाउंट की अब हमें ज़रूरत नहीं है. मर्ज करने का मतलब ये है कि इसमें जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो दूसरे अकाउंट में जाके जमा हो जाएं. इसको कैसे किया जाता है, ज़रूरत कैसे पड़ती है, आइए एग्जांपल के साथ हम देखते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हमारा एक अकाउंटेंट है जिसका नाम है 47400 और ये है जी रेंटल इनकम. रेंटल इनकम से ज़ाहिर होता है कि जैसे हम कोई किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन हम किराया ज़रूर वसूल कर रहे हैं लेकिन ये बिल्डिंग का नहीं है. हमें क्लियर होना चाहिए कि हम रेंटल किस चीज़ का ले रहे हैं.
ये रेंटल हम उस इक्विपमेंट का ले रहे हैं जो हम कंस्ट्रक्शन की पर्पसेस पे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, तो इसका नाम हमें अपने लिहाज से चेंज करना पड़ेगा। रेंटल इनकम आपका डिफ़ॉल्ट नेम था जो सिस्टम ने आपको दिया, लेकिन आपको अपने लिए इसको बेहतर बनाने के लिए नाम चेंज करना है। वंस अगेन क्लिक ऑन द राइट हैंड साइड एंड गो टू एडिट अकाउंट, सिंपली चेंज दिस नेम फ्रॉम रेंटल इनकम टू इनकम फ्रॉम रेंटल इक्विपमेंट। नाउ इनकम फ्रॉम रेंटल इक्विपमेंट इज मोर रेलिवेंट टू आर लाइन ऑफ वर्क। हम लोग अपना बहुत सारा इक्विपमेंट, जिसमें सीमेंट मिक्सर भी हो सकता है, जिसमें लिफ्ट भी हो सकती है, जिसमें शटरिंग भी हो सकती है, वो हम रेंट पे ठेकेदारों को या घर बनाने वालों को या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को या सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हम रेंट पे देते हैं। नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर इज अ नंबर ऑफ अकाउंट हेड्स विच आर रेलेवेंट टू आर सोर्स ऑफ इनकम। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकम के हेड के अंदर, और इनकम के इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली इनकम का हेड 4 से शुरू होता है, हमारे पास इनकम फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल है, इनकम सेल ऑफ सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन इनकम है एंड इनकम फ्रॉम रेंटल इक्विपमेंट है। नाउ वी हैव 4 डिफरेंट हेड्स कमिंग अंडर द मेन पेरेंट हेड दैट इज इनकम, लेकिन हमारे पास बेसिकली 3 सोर्स ऑफ इनकम है, एक है रेंटल ऑफ इक्विपमेंट, एक है सेल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली व्हाट वी हैव नाउ आर 2 हेड्स विच आर डूइंग द सेम थिंग, दैट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीमेंट। व्हाट वी नीड टू डू इज मर्ज दीज 2 अकाउंट्स इनटू अ सिंगल एंटिटी। हाउ डू वी डू इट? इसका तरीकेकार ये है कि आप देखें कि ऊपर दिया गया जो नंबर है इनकम फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल, उसका नाम और नंबर क्या है, 40500। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मर्ज दिस हेड इनटू द वन गिवन अबव। आपने सिर्फ यहाँ वो नाम लिखना है जिसके साथ आप इसको मर्ज करना चाहें। हमने नाम वही दे दिया जिसके साथ हम ये मर्ज करना चाहेंगे, और जैसे ही हम इसे कहेंगे सेव एंड क्लोज, तो ये हमसे सवाल कर रहा है, दिस नेम इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, वुड यू लाइक टू मर्ज देम। इसका मतलब है कि सिस्टम इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ट्राइंग टू मर्ज टू अकाउंट्स, ऑल यू हैव टू डू इज से यस। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे इनकम हेड के अंदर 3 अकाउंट हेड नज़र आ रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग मटीरियल, इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड इनकम फ्रॉम रेंटल इक्विपमेंट, और हमें ये 3 ही हेड सफिशिएंट हैं हमारे तमाम बिजनेस को कंट्रोल जो हम कर रहे हैं उसकी तमाम इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। सो नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ वी मर्ज 2 अकाउंट्स इनटू अ सिंगल एंटिटी। एंड व्हेन दिस हैपेंस, जब ये होता है तो होता ये है कि ट्रांजैक्शन ख़त्म नहीं हो जाती, ट्रांजैक्शन उसी जगह रहती है, सिर्फ उसका हेड और उसका नंबर जिस पिछले वाले अकाउंट में मर्ज हो गया है वहाँ चेंज हो जाता है, और आप ये जितनी भी पुराना रिकॉर्ड है वो जू का तू वहीं रहता है। अब हमें अपने पास अकाउंट्स में 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स को चेक करके एक नतीजे में नहीं पहुँचना होगा, हमारे पास सारी रिपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा रिकॉर्ड एक हेड में आ गया होगा। दिस इज़ हाउ यू मर्ज एंड दिस इज़ वाई देर इज़ अ नीड टू मर्ज मोर देन 1 अकाउंट। एंड ऑफ कोर्स नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, कैन वी डिलीट एन अकाउंट? यस वी कैन, बट वी कैन ओनली डिलीट सच एन अकाउंट विच हैज़ नो ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद इट। ये याद रखें, अगर किसी अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई है फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। आप जो उसके साथ काम कर सकते हैं वो ये है कि आप उसको इनएक्टिव कर दें। इनएक्टिव का मतलब ये होगा कि उसका रिकॉर्ड सारा रहेगा लेकिन मज़ीद उसके अंदर डेटा एंट्री अब पॉसिबल नहीं रहेगी। आइए लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। लेट्स टेक दिस अकाउंट हेड फॉर एग्जांपल, पोस्टेज एंड डिलीवरी। थोड़ी देर के लिए हम ये करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि क्या इसको करना चाहते हैं। आइदर यू कैन डिलीट एन अकाउंट,
If we delete this account, it will be deleted from the list. Are you sure you want to delete this account? Say okay. Ab wo yahan se gayab ho gaya. Gayab kyun ho gaya? Delete kyun ho gaya? As I just told you before, jis bhi account head ke andar koi transaction nahi hai, use hum delete kar sakte hain. Jis mein bhi koi transaction hai, what we need to do is, we need to basically inactivate that account. Ab yahan ek aur head hai, jiska naam hai ji, political contribution. यहाँ आकर आप इसको एडिट करें और आपको ये नज़र आएगा नीचे लिखा है अकाउंट इज़ इनएक्टिव. इसको टिक कर दें, सेव एंड क्लोज. जैसे ही आपने सेव एंड क्लोज़ किया, वो अकाउंट हमारी लिस्ट से गायब हो गया. लेकिन क्योंकि उसके अंदर ट्रांजैक्शन थी, इसलिए वो मौजूद है. अगर आप किसी एक्टिव ऐसे अकाउंट को डिलीट करना चाहें जिसमें पहले ही से रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो डिलीट नहीं होंगे. अब आप देखिएगा नीचे, जहाँ ये बॉटम पे एक जगह लिखी हुई है इंक्लूड इनएक्टिव. इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो इस लिस्ट में इनएक्टिव रिकॉर्ड्स, इनएक्टिव अकाउंट्स भी देख सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस चेकबॉक्स. और जैसे ही आपने इसको चेकबॉक्स को ऑन किया, आपको नज़र आ रहा है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वापस आ गया और उसके साथ एक एक्स बना हुआ है. एक्स का मतलब ये है कि ऑल्दो दिस account is no more in use, but the data is available and it is part of a list. That is, previously we have entered data in this account. Is account ko kaise khatam karenge, iska data kahan leke jayenge, wo ek accounting ka tarika hota hai ki aap usme se sara data ya sari information, sare record utha ke kisi dusre account mein transfer kar dete hain. Lekin even then, kyunki uske andar transaction kam se kam ek ho chuki hai, isliye you cannot delete this account. So now, just revising what we have done today, we have done how to add, edit, merge, delete, and inactivate an account, and also how to look up all those accounts which we inactivated during course of our discussion. Okay, that's all for today. Thank you so much.